हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 7। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्स इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। यदि दोनों के दोनों एक्यूट हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ये दो एंगल हैं, ये दोनों एक्यूट हैं। एक्यूट का मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोटे हों, लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल 90 से छोटे हैं, ये भी 90 से छोटा है, आप देख रहे होंगे यहाँ। अगर ये 90 का होता तो ये लाइन यहाँ से सीधी जाती ऊपर को, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती ऐसे ये सीधी। अब ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है इस प्रकार से। ये 90 का नहीं है और ये भी 90 का नहीं है, तो इन दोनों 90 से छोटे हैं। ये नीचे एक स्ट्रेट लाइन हमने ये बनाई है, यहाँ ये नीचे स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो ये सप्लीमेंट्स नहीं है, यानी इन दोनों का जो सम है, इन दोनों एंगल का, वो 180 नहीं है। ये कमी है जो बीच में आपको दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं नो। यदि दोनों एक्यूट एंगल होंगे तो सप्लीमेंट नहीं हो सकते। यदि दोनों एंगल होंगे ऑब्ट्यूज, अब हम ऑब्ट्यूज के बारे में आपको दिखा रहे हैं। ये 90 से बड़ा है, 90 सीधा होता, ये 90 का यदि होता तो ऐसे होता, ये सीधे, ये 90 का है ये वाला पोर्शन, ये 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज है। इसी प्रकार से एक दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, ये भी 90 से अगर 90 होता तो इस प्रकार से होता, ये 90, ये भी ऑब्ट्यूज है 90 से। जो ग्रेटर देन 90 होते हैं ऑब्ट्यूज होते हैं। अब इन दोनों से हमें ये बताना है कि ये सप्लीमेंट्स हैं या नहीं है, तो ये भी सप्लीमेंट नहीं है। इन दोनों को आप यहाँ मिला के देखिए, एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन है सीधी। तो आप देख रहे हैं इन दोनों को मिला के सप्लीमेंट्स यहाँ तो बन रहा है सप्लीमेंट, लेकिन दोनों जो हैं, नीचे वाला जो एंगल है वो काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये इतना हिस्सा जो पोर्शन है ये एक्सेस है, एक्यूरेट नहीं है दोनों का सम। अब हुआ है ये सप्लीमेंट, तो इसलिए भी अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज होंगे तो ये सप्लीमेंट्री पेयर नहीं हो सकते, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नो। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि राइट ट्रायंगल हो, यदि दोनों के दोनों राइट ट्रायंगल हैं। आप देख रहे हैं यहाँ ये एक राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री का है, एक हमारे पास और है 90 का। इन दोनों को हम मिला के देखिए, आप नीचे स्ट्रेट लाइन हो गई, ये नीचे स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये हमारा जो है सप्लीमेंट्री पेयर है। दोनों का जो सम है वो 180 है, आप यहाँ अच्छी प्रकार से इसको देख पा रहे होंगे। ये बिल्कुल ये 180 डिग्री के हैं, दोनों को हम मिला देंगे 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो इस प्रकार इसमें हम लिखेंगे यहाँ यस। अगला सम देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल 40 डिग्री से ज़्यादा है, इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और या इक्वल टू 45 या लेस देन 45। अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो जो दूसरा एंगल होगा, मान लीजिए ये वाला एंगल जो है ये 45 से ज़्यादा है, तो इसका जो सप्लीमेंट होगा, मान लीजिए ये 46 या 47 डिग्री है, तो इसका जो कम्प्लीमेंट होगा वो 90 में से यदि हम इसको लेस करेंगे तो आएगा 43, इससे छोटा होगा 43। तो लेकिन यहाँ कह रहा है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल देन 45 डिग्री, ग्रेटर देन 45 से बड़ा होगा, बड़ा तो नहीं हो रहा, वो आ रहा कितना आ रहा, 43 डिग्री आ रहा है। तो एक तो ये है कि ग्रेटर देन नहीं हो सकता, या इक्वल टू 45 के इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा एंगल जो है वो आ रहा है 43 डिग्री, 43 और 47 को हम सम करेंगे वो होगा 90 डिग्री का, तो इसलिए इक्वल भी नहीं हो सकता। फिर लिखा है या लेस देन 45, क्या वो 45 से छोटा होगा, तो वो वाला जो एंगल होगा हमारे पास
वो होगा लेस देन 45, ये 47 से छोटा होगा, 43 लेस देन 45, तो इसका आंसर लिखेंगे हम इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल लेस देन 45 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजोइनिंग फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, इज एंगल वन, जो एंगल वन है एडजेसेंट टू एंगल टू, क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं, साथ साथ के हैं, क्योंकि इन दोनों का जो ये वाला रे है ये कॉमन है, यहाँ से आप ये रे देख रहे हैं कॉमन है, और दोनों का जो वर्टिक्स है यहाँ पर ये भी सेम है, तो इसमें लिखेंगे हम यस। सेकेंड देखो इज ए ओ सी, इसमें हमें नाम लिखने हैं ए ओ सी, हाँ तो इसमें है इज एंगल वन, ये एंगल वन है एडजेसेंट टू एंगल टू, ये तो हमने लिख दिया यस। आगे देखिए इज ए ओ सी, ए ओ सी यानी एंगल वन एडजेसेंट टू ए ओ ई, क्या इसके यहाँ से वन और टू दोनों इसमें कंबाइन हो गए, तो इसमें लिखेंगे हम नो। थर्ड पार्ट देखिए इसका, डू सी ओ ई, सी ओ ई इट मीन्स एंगल टू, एंड ई ओ डी, ई ओ डी तीन और चार मिला के फॉर्म ए लीनियर पेयर, यस लीनियर पेयर है, क्योंकि टू के साथ अगर हम थ्री और फोर को ऐड करते हैं, ये थ्री और फोर को एक ही एंगल लिया है, ई ओ डी एंड सी ओ ई, तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इसको लिखेंगे हम यस, यानी एक ही रेखाखंड पर बने कोण है, इस रेखा पर बने कोण जिनका सम 180 होगा। आगे देखिए आर बी ओ डी, बी ओ डी यानी एंगल फोर, एंड डी ओ ए सप्लीमेंट, ये वाला एंगल बी ओ डी एंगल फोर, एंड डी ओ ए, डी ओ ए एंगल फाइव, ये दोनों सप्लीमेंट का मतलब है कि ये भी 180 के हैं, तो इसमें भी लिखेंगे हम यस। अगला पार्ट देखिए इसमें, इज एंगल वन, ये जो एंगल वन है ये वर्टिकली अपोजिट टू एंगल फोर, वन और फोर क्या वर्टिकली अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं, यस इसमें आएगा यस। कैसे हैं, क्योंकि एंगल वन और एंगल जो फोर है ये इन दो लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, लाइन से बने हैं, एक तो है डी सी और एक है ए बी, तो ये दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसलिए एंगल वन और एंगल फोर जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आइए क्वेश्चन इसका फिफ्थ पार्ट पे, व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल फाइव, एंगल फाइव का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, आप देख रहे हैं एंगल फाइव जो है ये टू और थ्री के सम के बराबर है, व्हाट इज, तो टू और थ्री को हम लिख सकते हैं बी ओ सी, व्हाट इज, तो हम लिखेंगे यहाँ एंगल बी ओ सी इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल फाइव। तो इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इंडिकेट करना है कि कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं, तो वन और फोर देखिए, यहाँ वन और फोर जो है ये वर्टिकली अपोजिट हैं, ये और ये दोनों एंगल बिल्कुल आमने सामने हैं, ये दो लाइन है हमारे पास, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये दोनों वन और फोर जो हैं ये आपके वर्टिकली अपोजिट हैं, और भी हैं एंगल फाइव के साथ टू और थ्री आएगा वर्टिकली अपोजिट, लीनियर पेयर जो रेखाखंड बनाते हैं एंगल वन एंड एंगल फाइव, ये दोनों को मिलाएंगे तो 180 का एंगल बनेगा, तो ये लीनियर पेयर हो गए, और भी हैं इसके साथ एंगल फोर के साथ हम थ्री और टू, ये दोनों को मिला के एक एंगल होगा, ये फोर और ये मिलाएंगे तो ये भी आपका लीनियर पेयर होगा, इसी प्रकार एंगल थ्री टू के साथ इन दोनों को एंगल मिला के इसके साथ एंगल वन को यदि हम इसके साथ ऐड करेंगे तो ये भी एक लीनियर पेयर बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल वन एडजेसेंट टू एंगल टू, वन और टू के एडजेसेंट हैं, ये नहीं एडजेसेंट क्योंकि इनके जो वर्टिक्स हैं, इसका वर्टिक्स यहाँ है, इसका वर्टिक्स यहाँ है, ये कॉमन नहीं है, कॉमन होने चाहिए,
लिखा है यहाँ एंगल वन एंड एंगल टू आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज दियर वर्टिक्स आर नॉट कॉमन, कॉमन नहीं है, इसका वर्टिक्स यहाँ है, इसका वर्टिक्स यहाँ है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हमने लिखा है यहाँ एक्स की वैल्यू है 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए हम यहाँ दिखाते हैं आपको, ये जो एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स इसके बराबर है, हम इसी एंगल को यहाँ रखेंगे, ये एरिया पूरा कवर हो जाएगा। ये देखिए तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 55 वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर लिखा आगे y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y के साथ अगर हम 55 को प्लस करते हैं तो ये सप्लीमेंट्री पेयर बनते हैं, यानी 180 होगा, y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो ये इक्वेशन हो गया, यहाँ y की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 55 इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब हमें निकालने हैं z की वैल्यू। अब y और z जो हैं ये भी वर्टिकली अपोजिट हैं, जिस प्रकार x और 55 थे, अब इसी प्रकार y और z हैं। y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 155, अब लिखेंगे हम y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 125 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दियर फोर z की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, y की वैल्यू 125 है ऊपर निकाल चुके हैं हम, तो z की वैल्यू होगी 125। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, z बराबर सेकेंड पार्ट, ये वाला जो सेकेंड यहाँ डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है आपका फर्स्ट और ये है सेकंड। इसमें z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे, ये हमारे पास y है, ये देखिए ये y, ये जो y जो एंगल है यहाँ पे, ये किसके बराबर है, ये ऊपर x और 25 दोनों को मिलाएंगे इसके बराबर है। यहाँ रखते हैं हम इधर, देखिए ये क्या है, ये दोनों एंगल यहाँ पे x और 25, y जो है इन दोनों के बराबर है। अब यहाँ z की वैल्यू पूछा है कि z कितने का है, तो अब देखिए यहाँ ये है z, अब z जो है 40 डिग्री के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट है, ये यहाँ रखेंगे हम इसको, ये इसके बराबर है, देखिए ये तो क्लियर हो गया, z 40 डिग्री, तो हम लिख यहाँ लिख दिया हमने z इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब लिखेंगे हम यहाँ y प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, y के साथ हम 40 को ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये एक सप्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं दोनों एंगल, 40 डिग्री और y डिग्री, तो y प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर हो गया। तो इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू 180, ये 40 राइट साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 40 140 डिग्री, तो ये हो गया आपकी y की वैल्यू। अब आगे हमें इसमें निकालना है x की वैल्यू, तो अभी हमने आपको बताया था यहाँ कि जो ये y है यहाँ पर हमारे पास, ये y ये वर्टिकली अपोजिट है x प्लस 25 के बराबर, x प्लस 25 के बराबर, ये देखिए ये वाला y x प्लस 25 y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हम अभी अभी यहाँ निकाल चुके हैं 140 डिग्री, तो y इज इक्वल टू x प्लस 25, ये y की वैल्यू जो है x प्लस 25 है और वर्टिकली अपोजिट हो गई, तो y की वैल्यू है 140 डिग्री, अभी हमने निकाला है, y की जगह हम प्लेस करेंगे 140 डिग्री को, इज इक्वल टू x प्लस 25। अब x की वैल्यू क्या होगी, इस 25 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, यानी कि जिधर नंबर्स हैं उस साइड में, यानी 140 माइनस 25 हो जाएगा, तो ये आएगा 115 डिग्री, तो ये आ गया x की वैल्यू। हैंस तो हमने यहाँ x, y, z तीनों की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू होगी 115, y की वैल्यू अभी निकाली है हमने 140 डिग्री, और z की वैल्यू स्टार्टिंग में निकाला है हमने यहाँ 40 डिग्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। इन द एडजॉइनिंग फिगर
यहाँ जो ये दिया गया है इसमें बताना है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज का मतलब ऐसे एंगल जो 90 से बड़े हों और वर्टिकली अपोजिट हों। तो हमने लिखा है BOC ये वाला एंगल ऊपर किसके बराबर होगा, ये AOD के बराबर होगा, ये AOD ये वर्टिकली अपोजिट है, ये ऑब्ट्यूज भी हैं 90 से बड़े भी हैं। दूसरा पूछा है एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स, साथ साथ वाले एंगल होने चाहिए जिनके वर्टिक सेम हो और एक जो उनका लाइन सेगमेंट हो वो भी सेम हो, रे जिसको हम रे भी बोल सकते हैं। एंगल BOA ये वाला एंगल, एंगल AOE ये दोनों एंगल को यदि हम मिला देते हैं तो ये कंप्लीमेंट्री बनते हैं, यानी कि 90 डिग्री के बनते हैं। 90 डिग्री इस साइड में है, 90 इस साइड में हो गया, इन दोनों का एंगल ये और ये एंगल आपके कितने होंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ थर्ड इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 होगा लेकिन वो इक्वल होने चाहिए, यानी 45-45 के होने चाहिए। तो यहाँ हमारे पास दो एंगल हैं, एक तो है EOB या कह सकते हैं इसको हम BOE, ये दोनों एंगल आ गए इसमें BOE, और इस साइड में EOD ये भी 90 डिग्री के हैं। तो इन दोनों 90 का सम जो है सप्लीमेंट्री होगा क्योंकि यहाँ पूछा है इक्वल होने चाहिए। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी उनका सम 180 तो होना चाहिए लेकिन अनइक्वल हो, अनइक्वल बराबर ना हो। तो इसमें हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, हमने पहला लिया है BOE, दूसरा आएगा AOD ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये अनइक्वल हैं। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल होने चाहिए लेकिन वो लीनियर पेयर में नहीं होने चाहिए। तो लीनियर पेयर में देखिए AOE ये वाला एंगल और EOD ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट हैं लेकिन इन दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री नहीं है। आगे लिखा है BOA ये वाला एंगल, इसके एडजेसेंट है AOE, ये दोनों एडजेसेंट हैं, इनका जो वर्टिक्स है ये कॉमन है। फिर चलते हैं आगे EOD ये वाला एंगल और DOC ये वाला एंगल, ये भी दोनों एडजेसेंट हैं, इनका वर्टिक्स ये वाला कॉमन है और ये वाला जो रे है ये कॉमन है, यानी वन रे एंड वन वर्टिक्स शुड बी कॉमन। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ आपकी कंप्लीट हुई। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।